हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का दोस्तों भाग नंबर 3, यानी कि आपको मिलेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों आपको दो भाग कराए जा चुके हैं जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। यदि दोस्तों आपने पहले वाले दो भागों को ना देखा हो तो उनको आप जरूर देख लें ताकि आपके पिछले वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चनों की, भाग नंबर 2 में। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं इस वाली प्रश्नावली के, और जो बचे क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर दोस्तों आपको बताएंगे। तो कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे आराम से, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपके पास में जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या है, वो आपके पास में दिया है 9.375 वर्ग मीटर, यानी कि दोस्तों आप इतने ही क्षेत्रफल को पेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे एक ईंट जो आपको दी है, यहाँ पर देखिए आपको जो ईंटें दी हैं दोस्तों, ये कैसी होती हैं। ईंट दोस्तों आपकी घनाभाकार होती है, घनाव के आकार की होती है, यानी कि दोस्तों क्यूबॉइड के शेप की होती है। यहाँ पर आप देखते हैं लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये आपके पास में ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लंबाई बराबर दिया है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहला काम क्या करेंगे आप, क्योंकि दोस्तों आपको पेंट करना है तो आपको सारी सतहों पर करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, घनाभ के लिए 2LB+BH+HL होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, कहने का मतलब है 22.5 गुणा 10, और प्लस करेंगे आप 10 गुणा 7.5, और फिर आप प्लस करेंगे 7.5 गुणा 22.5। तो इनको दोस्तों आप गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, आप नोट करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, अभाव है। तो इनको आप दोस्तों गुणा करेंगे अंदर तो क्या मिलेगा, देखिए आपको इनको गुणा करने पर आपको मिलेगा 2, 2, 5 धन, यहाँ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 75, और धन इनको दोस्तों आपको गुणा करने पर मिलेगा 168.75। अब दोस्तों आप इनको जोड़ के गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों क्या गया, एक ईंट का दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल, या फिर आप कहें दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिलता है। अब यहाँ पर आपको बताना है ऐसी ईंटों को दोस्तों कितनी ईंटों को पेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको जो दिया है कुल क्षेत्रफल जो दिया है वो आपको दिया है 9.375 वर्ग मीटर, और यहाँ पर आप देखते हैं वर्ग सेंटीमीटर में है। ध्यान आप देंगे दोस्तों हमेशा इकाई को, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इकाई आपकी दोस्तों समान होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके पास में ईंट की यहाँ पर इकाई जो है सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर आपको मीटर में दी है। तो पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 9.375, और यहाँ पर आपका मीटर का वर्ग है, मीटर का वर्ग है, तो मीटर के स्थान पर दोस्तों आप क्या कर देंगे, एक मीटर में आप जानते हैं क्या होता है, एक मीटर बराबर आपका दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो देखिए 9.375, और यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा 100 का वर्ग करेंगे दोस्तों आप हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, जब आप वर्ग वाले को बदलेंगे तो वहाँ पर आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 100 गुणा 100, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों, इनको आप गुणा करेंगे तो 93750। तो इतना दोस्तों काहे में आ जाएगा, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आपके पास में क्या आ गया दोस्तों, जो कुल क्षेत्रफल है वो आपके पास में इतना है, और जो एक ईंट का क्षेत्रफल है वो आपके पास में दोस्तों है 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको बताना है संख्याएं, यदि आपको ईंट की संख्या बतानी है दोस्तों क्या करते हैं आप, ईंटों की संख्या बतानी है तो क्या करते हैं दोस्तों आप, कुल क्षेत्रफल और बट्टे कर देते हैं आप एक ईंट का क्षेत्रफल। तो यहां से आप आराम से निकाल लेंगे, कुल आपके पास में है दोस्तों 93750, और बट्टे कर देंगे आप 937.5 का, तो भाग देने पे क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं भाग देने पे आपको आराम से, यदि आपको दशमलव को हटाना है तो ऊपर आप 0 बढ़ा देंगे, तो भाग देने पे देखिए आपका 100 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं 100 ईंटें दोस्तों
जो आपको पेंट दिया है उसके द्वारा आप कर पाते हैं, यानी कि 100 ईंटों को दोस्तों आप पेंट कर पाएंगे तो आपका 100 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आपको बताना है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। दोस्तों यहां पर देखिए दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपके पास में क्या है दोस्तों, आपके पास में एक घनाकार डिब्बा है, घनाकार यानी कि आपके पास में दोस्तों क्यूब है, दूसरा है दोस्तों घनाभाकार, यानी कि दो डिब्बे आपके पास में यहां पर दिए हैं। आप जानते हैं दोस्तों जो आपका घन होता है वो क्या होता है, वर्ग से मिलकर बना होता है दोस्तों, वर्ग से 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, और जो घनाभ होता है वो 6 आयतों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों आप पहले क्या लिखेंगे, पहला आपको निकालना है किस वाले डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, ये घन है ये घनाभ है, घन का दोस्तों आपको भुजा दी है 10 सेंटीमीटर और जो घनाभ है उसकी लंबाई आपको दी है दोस्तों 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों आप निकाल लेंगे पहले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोस्तों आपको हमने बताया था क्या करते हैं दोस्तों, आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए घन के 4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 4 स्क्वायर होता है, तो 4 गुणा कर देंगे दोस्तों आप, भुजा आपको दी है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग कर देंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे दोस्तों आप घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है 2L+BH। आप ध्यान देंगे यहां पर फॉर्मूले को, आप याद रखेंगे पार्श्व वाले को। तो यहां पर आपका होता है दोस्तों 2L का कहने का मतलब है लंबाई आपकी 12.5 है, प्लस बी कहने का मतलब है चौड़ाई, और गुणा दोस्तों आपको एच करना है, यानी कि 8 सेंटीमीटर का आप गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा, अंदर यहां पर आपको मिलेगा 22.5 और बाहर से आप गुणा कर देंगे 8 से, तो ये दोस्तों आपके यहां पर क्या मिलेगा, तो ये दोस्तों आपके यहां पर मिलेगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, इसका पार्श्व 360 है और इसका दोस्तों 400 है, तो आपको पूछा गया है कि किसका अधिक है, तो आप बता देंगे दोस्तों घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब आपको दूसरा पूछा गया कि कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप दोनों को घटाएंगे, जो घन का है और माइनस दोस्तों आप घनाभ का पार्श्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 400 माइनस 360 करने पर दोस्तों 40 वर्ग सेंटीमीटर। आप कह देंगे दोस्तों 40 वर्ग सेंटीमीटर जो है घन का दोस्तों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो यहां पर आप दोनों का जवाब देंगे। उसके बाद आपको पूछा गया है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले आप निकालेंगे घन का दोस्तों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल कहने का मतलब होता है दोस्तों आपके चूंकि 6 वर्ग हैं तो आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर आपको मालूम है ए बराबर 10 है, 10 का वर्ग कर देंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों 600 वर्ग सेंटीमीटर। और वैसे ही घनाभ का क्या होता है दोस्तों, यदि आप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यहां पर होता है 2LB+BH+HL, और यहां पर आप आराम से मानों को रखेंगे, 2 गुणा एल कहने का मतलब है 12.5 गुणा 10 और धन 10 गुणा 8 और धन 8 गुणा 12.5, इनको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहां पर आपको मिलेगा 125, यहां पर आपको मिलेगा 80, यहां पर आपको मिलेगा तो ये आपको 100 मिलेगा। तो इनको आप जोड़ दें, अंदर वालों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा अंदर वालों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 2 गुणा 305, तो गुणा करने पर दोस्तों आपको मिलेगा 305 गुणा 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 610। तो यहां पर आप देखते हैं दोस्तों 610 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिलता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर आप आराम से देखते हैं दोस्तों, इसका 600 है और इसका आपका 610 है। तो यहां पर आपको पूछा गया है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो यहां पर आप कह देंगे दोस्तों घन का कम है, यहां पर आप कह देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और यदि आपको पूछा गया कितना कम है, तो आप निकाल देंगे 610 माइनस 600
बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना दोस्तों कम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से प्रयुक्त होने वाले शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा और सभी 12 किनारों के लिए आवश्यक जो टेप होगा वो कितना होगा। तो पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों, आप पौधे घर को देखेंगे। जो पौधा घर है कैसा है दोस्तों, वो एक प्रकार से घनाभाकार है, घनाभाकार है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि आधार भी यहाँ पर क्या होगा, सम्मिलित होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये आपका पूरी तरह से बंद है यानी कि क्लोज है। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आपको यहाँ पर पूछा गया है, जो आवश्यक आवश्यक जो शीशे की पट्टियाँ होंगी दोस्तों, पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर होगा दोस्तों आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप निकाल देंगे पहले वाले के लिए, यहाँ पर देखिए पहले आप लंबाई को लिखेंगे, लंबाई क्या दिया दोस्तों आपको, लंबाई बराबर दोस्तों आपको दिया 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दी है, चौड़ाई बराबर आपका 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दोस्तों आपको दी है, ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप रखेंगे दोस्तों, संपूर्ण क्या होता है दोस्तों घनाभ के लिए, 2lb प्लस bh प्लस hl होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 2 × lb, कहने का मतलब 30 × 25 और प्लस करेंगे आप 25 × 25 और प्लस करेंगे 25 × 30। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 इनको आप गुणा करेंगे, 25 × 75 750 और धन 25 × 25 होता आपका 625 और धन यहाँ पर आपका 750। इनको दोस्तों आप जोड़िए, इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा देखिए, इनको जोड़ने पे मिलेगा दोस्तों आपको 2125 मिलेगा और गुणा करने पर आपको मिलेगा 4250। तो इतना दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आवश्यक जो जो शीशा होगा दोस्तों उसका क्षेत्रफल होगा 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको पूछा गया है दोस्तों, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, यानी कि दोस्तों आपको टेप करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप देखिए दोस्तों, जब टेप करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, आप टेप करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि दोस्तों आप 12 भुजाओं में दोस्तों क्या करेंगे, टेप करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, देखिए दोस्तों एक प्रकार से आप क्या करते हैं, यदि आप ऊपर वाले आयत को देखें, लंबाई L है और चौड़ाई B है, इस वाले आयत को देखें तो लंबाई क्या है, लंबाई B है और चौड़ाई H है। यदि आप इस वाले आयत को देखें तो यहाँ पर आपकी लंबाई L है और चौड़ाई H है। तो आपके पास में 3 प्रकार के आयत हैं दोस्तों यहाँ पर, और देखिए दोस्तों आपको टेप करने में यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि आपको चारों तरफ की लंबाई चाहिए और चारों तरफ की लंबाई को क्या बोलते हैं दोस्तों आप, इसको दोस्तों आप बोलते हैं परिमाप, यानी कि दोस्तों आपको परिमाप निकालना पड़ेगा एक आयत का, दूसरी आयत का और तीसरी आयत का, क्योंकि दोस्तों जब आप टेप करेंगे तो आप इनके चारों तरफ करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप, इन पर किनारों पर करेंगे, तो इसीलिए दोस्तों आप 3 आयतों का जो परिमाप होगा उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने देखिए टेप यहाँ पर किया तो एक लंबाई आ गई और यहाँ पर टेप किया 2 लंबाइयाँ आ गई, और वैसे आपने यहाँ पर टेप किया 3 लंबाई और यहाँ पर टेप किया 4 लंबाई, तो 4 आपके पास में लंबाई आएंगी, वैसे दोस्तों आपके पास में 4 चौड़ाइयाँ आएंगी और वैसे आपके पास में 4 ऊंचाइयाँ आएंगी। यानी कि दोस्तों यदि आप कर दें 4 × lb धन चौड़ाई धन ऊंचाई, तो भी दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप परिमाप के माध्यम से निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे देखिए, आपके पास में 3 आयतें हैं तो 3 आयतों का परिमाप आप जोड़ देंगे। पहली आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर होता है दोस्तों आपका 2 × lb धन चौड़ाई, 2 × lb धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या है दोस्तों, लंबाई आपकी L है और चौड़ाई आपके पास में B है, वैसे अगले वाले में आपका देखिए लंबाई आपका B है चौड़ाई है H, वैसे अगले वाले में देखिए लंबाई आपके पास में L है चौड़ाई है H। तो यहाँ पर आप मानों को रखेंगे दोस्तों, मानों को रखिए आप आराम से यहाँ पर, 2 × l धन B कहने का मतलब है 30 + 25 और वैसे आपका 2 × यहाँ पर आप करेंगे तो आपका 25 + 25 और वैसे आप 2 × कर देंगे 30 + 25। तो इनको दोस्तों आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में क्या मिलेगा आपको, ये 2 × 55 2 × 50 2 × 55। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा देखिए आपको, 110 + 100 और + 110।
इनको आप जोड़िए दोस्तों, ये आपको मिलेगा 320। ये दोस्तों आपको मिलेगा 320, चूंकि दोस्तों ये लंबाई है तो लंबाई आपकी यहाँ पर केवल सेंटीमीटर में आएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, आपको 320 सेंटीमीटर टेप की दोस्तों आवश्यकता होगी यदि आप किनारों पर टेप करेंगे तो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को करेंगे, अगले वाले भाग में दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कराएंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।